हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइलेंट स्काउट पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं चामुंडा देवी मंदिर, जिसे श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर धर्मशाला से 15 किलोमीटर, कांगड़ा से 21 और ज्वालामुखी से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पहुँच सकते हैं बस के द्वारा। नज़दीकी रेलवे स्टेशन है नगरोटा बगवा, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, और नज़दीकी एयरपोर्ट है गगल एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ किसी भी मौसम में आया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि अप्रैल से अक्टूबर तक का मौसम थोड़ा गर्म रहता है, और वो मौसम भी यहाँ आने के लिए ठीक है। और जनवरी से मार्च तक का मौसम थोड़ा सुहावना रहता है, तो आप उस मौसम में भी आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माँ के पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ हैं। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है चामुंडा देवी मंदिर। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। हजारों वर्षों पूर्व धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों का राज था। उनके द्वारा देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की, और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही इन दोनों दैत्यों से उनकी रक्षा करेंगी। इसके पश्चात माता दुर्गा ने दो रूप धारण किए, एक माता महाकाली का और दूसरा माता अम्बे का। माता महाकाली जग में विचरने लगी और माता अम्बे हिमालय में रहने लगी। तभी वहाँ चंड और मुंड आए। वहाँ माता को देख कर वे उन पर मोहित हो गए और शुंभ से कहा कि आप तीनों लोकों के राजा हैं, आपके यहाँ सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं। इस कारण आपके पास एक ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्वसुंदर है। यह वचन सुनकर शुंभ ने अपने एक दूत को माता अम्बे के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और वह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुन दूत माता अम्बे के पास गया और शुंभ द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ बलशाली है, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूँगी। यह सारी बातें दूत ने शुंभ को बताई तो वह माता के वचन सुन क्रोधित हो गया। तभी उसने धूम्रलोचन सेनापति को सेना लेकर माता के पास उन्हें लाने के लिए भेजा। सेनापति ने कहा, हमारे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे गर्व का नाश कर दूंगा। इस पर माता और सेनापति के बीच युद्ध हुआ और माँ ने असुरों की सेना का संहार कर दिया। अपनी सेना का संहार सुन शुंभ विचलित हुआ और उसने रक्त बीज चंडमुंड को माँ से लड़ने के लिए भेजा। इस पर माँ ने महाकाली का रूप धारण किया और रक्त बीज और चंडमुंड का संहार कर दिया। चंडमुंड का संहार करने के बाद जब वे माता अम्बे के पास गई तो माँ ने कहा कि तुम चंडमुंड को मारकर आए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चामुंडा होगा और घर घर में तुम्हारे नाम का जाप होगा। इस कलाकृति में आप देख सकते हैं माँ काली और माँ अम्बे का संवाद। ये है नगाड़ा। नगाड़ा कांसे और चर्म पत्र से निर्मित एक तालवाद्य यंत्र है। ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक लोकवाद्य यंत्र है। दोस्तों, ये तो थी चामुंडा देवी मंदिर की बात। अब आपको दिखाते हैं श्री नंदिकेश्वर धाम। श्री नंदिकेश्वर धाम के बारे में जो कथा प्रचलित है वो ये है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर नरभक्षी योगिनी का अधिराज था। लोकमानस में वह योगिनी चामुंडा मानी जाती थी। चामुंडा की रक्त पिपासा को शांत करने के लिए क्षेत्रवासी हर दिन बारी बारी से
एक व्यक्ति को योगिनी के लिए बलि चढ़ाते थे। इस क्रम में एक दिन ऐसे परिवार की बारी आई जिसमें एक बूढ़ी माँ और उसका इकलौता पुत्र था। इस घटना की सूचना मिलने पर वृद्ध माँ रोती रोती अपने पुत्र को उसके मनपसंद भोजन परोस रही थी। माँ और पुत्र मृत्यु के बारे में सोचकर आशा के किरण को भुलाकर शोकाकुल हो गए। उसी क्षण एक फक्कड़ फकीर उनके घर के सामने खड़े होकर वृद्धा से स्वादिष्ट भोजन मांगता है। इस पर वृद्धा इनकार करती है। साधु कहता है कि तुम मुझे पेट पर भोजन करवा दो, मैं तुम्हारे बेटे के बदले बलि हो जाऊंगा। उस साधु ने वृद्धा के मना करने पर भी उससे ज़बरदस्ती भोजन लिया और बलि के लिए तत्पर रहा। चामुंडा की बलि का समय आने पर जब लड़का नहीं पहुंचा तो योगिनी चामुंडा, जिसे स्थानीय बोली में चौंडा कहते हैं, उन्होंने उस साधु पर बृहद शिलाओं से प्रहार किया। साधु ने उन शिलाओं को आक्रमण मार्ग में ही रोक दिया। इस पर भगवती चामुंडा ने योग माया से भेद लगाया कि यह अदम्य कार्य तो शमशान निवासी शिव ही कर सकते हैं। अलौकिक शक्तियों का मिलन होने पर शिव ने चामुंडा से बलि न लेने का वचन लिया और कहा कि हम दोनों शमशान पर रहने वाले हैं। शिव स्वयं चट्टान के नीचे नंदिकेश्वर महादेव के नाम से पूजित हैं तथा चट्टान के ऊपर चामुंडा माँ का पूजनीय स्थान है। इस लोकश्रुति के अनुसार शिव और शक्ति के मिलन से यहाँ चामुंडा नंदिकेश्वर धाम प्रतिष्ठित हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।